नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिज़र्स पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुका है और 12 तारीख तक 11 बजे तक फ़ीस जो है सबमिट कर देनी है मॉर्निंग में। अब इस केस में जो परसेंटेज ऑफ रिफंडेबल फ़ीस है वो कैसे आप ले सकते हैं अपना, अगर मान लीजिए पेमेंट कर देते हैं, आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है और आपको क्या आपका फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा? तो यस, यहाँ के ब्रोशर में ये अच्छे से लिखा हुआ है कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी 100%। किस केस में? अगर एडमिशन का, जैसे लास्ट जो एडमिशन का डेट है, जो लास्ट डेट है एडमिशन का, सपोज़ कि लास्ट डेट 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को है, अब उसके 15 दिन पहले आप बता देते हो कि आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो आपको 100% फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी। याद रखिएगा कि लेस देन 15 डेज़ अगर हो जाता है लास्ट डेट के, मान लीजिए कि 27 लास्ट डेट है और आप उसके जो है 15 दिन कम, मतलब कि 14 दिन या फिर 13 दिन पे बताते हैं, तो आपको 90% जो है फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। याद रखिएगा कि 80% फ़ीस किस केस में रिफ़ंड होगी, तब 15 डेज़ और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर 15 दिन और 15 दिन से कम जो है आप उसके बाद बताते हो, जैसे यहाँ पर बिफ़ोर है ना, ये बिफ़ोर में आप कर रहे हो नोटिफाई, मतलब आप बता रहे हो कि नहीं मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है, पर अगर आप 15 दिन बाद बताते हो एडमिशन के, 15 डेज़ बाद, ठीक है, सपोज़ कि आपका 27 को एडमिशन हुआ, आप अब जस्ट उसके 15 डेज़ बाद बता रहे हो, ठीक है, या फिर उसके पहले, तो आपको 80% फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। पर अगर आपका एडमिशन हो गया आप 30 डेज़ और लेस, उससे कम या फिर मोर देन 15 डेज़ आफ्टर फॉर्मली लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, तो भी आपको 50% फ़ीस रिफ़ंड होगा। पर मोर देन 30 डेज़ हो जाएगा आफ्टर फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो आपको 0% यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड की पॉलिसी है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, ओके। और याद रखिएगा कि यहाँ पर और भी केसेस है कुछ, इन केस ऑफ सीरियल नंबर 1 द टेबल अबव द यूनिवर्सिटी शैल डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ 5% ऑफ फीस पेड बाई स्टूडेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000 एज प्रोसेस चार्जेस फॉर द रिफंडेबल अमाउंट। यानी यहाँ पर आपका जो आप 5% जो है यहाँ पर कटेगा आपके फीस का। क्लियर? तो दोज कैंडिडेट हु आर कैंसिल देयर एडमिशन बिफोर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट विद इन अ 1 month फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कैंसिल देयर सीट ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आप जो है कैंसिल करवाओगे, ठीक है, फॉर रिफंड एकेडमिक फीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको जो भी प्रोसेस करवानी है वो ऑनलाइन ही करवानी होगी। नो अदर मोड रिक्वेस्टेड टू कैंसिलेशन ऑफ सीट और फॉर रिफंड एकेडमिक फ़ीस। आप जो है याद रखना कि ये जो कैंसिलेशन होगा वो ऑनलाइन ही पोर्टल के थ्रू होगा और कोई इसका ज़रिया नहीं है। तो उस कैंडिडेट हु विल कैंसिल देयर एडमिशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस विद इन 1 month लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कैंसिल देयर सीट ऑनलाइन पोर्टल थ्रू सबमिट नो ड्यू सर्टिफाइड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड एकेडमिक फ़ीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर वही लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें कि अगर मोर देन 30 डेज हो जा रहे हैं, ठीक है, आपके एडमिशन के लास्ट डेट एडमिशन के, जैसा सपोज की 30 तारीख तक एडमिशन हुआ, आप नवंबर 30 को बता रहे हो या फिर आप जो है नवंबर 30 को बता रहे हो फिर आप जो है 1 दिसंबर को बता रहे हो, तो आपको कोई फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। द एकेडमिक सिक्योरिटी मनी will be refunded only after completing the quitting of respective program within 1 year the date of completion of quitting the program। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपकी पॉलिसी है। अब बात कर लेंगे हॉस्टल फीस की, तो सेम हॉस्टल फीस में है, इन केस ऑफ कैंडिडेट विदड्रॉ कैंसिल हॉस्टल सीट विद इन 30 डेज, 30 डेज में अगर वो कैंसिल करवाता है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल, याद रखिएगा कि फीस तो रिफंड की जाएगी पर 1 month का आपका अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1 month के लिए आपका जो पैसा रहेगा वो डिडक्ट किया जाएगा। इन केस कैंडिडेट विड्रॉ कैंसिल द हॉस्टल सीट आफ्टर 30 डेज अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल ओनली हॉस्टल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट। अगर इन केस अगर अपना हॉस्टल फीस या फिर हॉस्टल सीट जो है विड्रॉ कर रहा है कैंडिडेट 30 डेज जो है आफ्टर 30 डेज, तो याद रखिएगा कि सिर्फ ओनली हॉस्टल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट, सिर्फ हॉस्टल का सिक्योरिटी मनी ही इसको रिफंड किया जाएगा। तो ये जो है आपके कुछ रिफंडेबल पॉलिसी है, याद रखिएगा आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, ओके।
अगर हम इसको हिंदी में समझे तो याद रखिएगा कि 100% जो शुल्क है वो आपका कब रिफंड होगा, तो प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे अधिक समय पहले, तब आपको 100% रिफंडेबल होगा। ठीक है, आप 15 दिन से या फिर 16 दिन 17 दिन पहले बता दे रहे हो कि नहीं लेना है सीट, तो आपको 100% फीस रिफंड हो जाएगा। 90% किस केस में होगा, अगर आप कम दिन में जाते हो, 15 दिन से मतलब प्रवेश के औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन पहले। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि मान लो कि तुम 14 दिन या फिर उससे कम में आने लगे तो आपको 90% ही रिफ़ंड किया जाएगा। 27 अगर डेट है सपोज़, तो आप जो है जाके 25 तारीख को बता रहे हो कि मुझे फ़ीस रिफ़ंड कर दो, तो आपको कम फिर फीस में जो है 90% दिया जाएगा। प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिन या उससे कम। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके केस में 80% होगा, और प्रवेश की अंतिम तिथि औपचारिक रूप से अधिसूचित होने के बाद 30 दिन या उससे कम, तो उसमें 50%, फिर उसके बाद जो है आपका 0% मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपने अधिक समय के बाद किया है तो फिर 0% भी रिफंडेबल पॉलिसी है। तो ये जो है आपके CUET PG के अंतर्गत जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का रिफंडेबल पॉलिसी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो बना के देते रहें। धन्यवाद।